गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज हम बात करेंगे स्टील डिज़ाइन की, जिसमें कि हम स्टील के कनेक्शन के बारे में बात करेंगे, कनेक्शन में भी रिवेटेड, बोल्टेड और वेल्डेड के बारे में, स्टील स्ट्रक्चर के अपने एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, हम सारे टॉपिक पे आज धीरे धीरे बात करेंगे। सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि स्टील स्ट्रक्चर को हम क्यों प्रीफर करते हैं। हर चीज की कंपैरिजन किसी के रिस्पेक्ट में होती है, तो हम स्टील स्ट्रक्चर की अगर कंपैरिजन कंक्रीट स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में करते हैं तो हम कुछ इसके एडवांटेजेस है स्टील स्ट्रक्चर के, ड्यू टू विच इट इज बेटर क्वालिटी कंट्रोल। कहने का मतलब इसमें जो क्वालिटी की जो कंट्रोल होती है वो बहुत अच्छा होता है। क्वालिटी कंट्रोल जो है वो बहुत हद तक अच्छा होने का मतलब ये है कि अगर हम कंक्रीट का घर बनाते हैं तो जो सीमेंट होना चाहिए, सैंड होना चाहिए, एग्रीगेट का रेशियो होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, थोड़ा बहुत उसमें हेरफेर करता है। बट हम स्टील का कोई मेंबर लिए, स्टील का किसी मेंबर की अगर बात करें तो उसका क्वालिटी क्या होता है, ऑलरेडी डिफाइंड होता है, उसमें कोई हेरफेर नहीं होती। इस सेंस में बेटर क्वालिटी कंट्रोल है। स्टील स्ट्रक्चर ओवरऑल अगर उसकी सेल्फ वेट की हम बात करते हैं तो उसका वेट क्या होता है, काफी लाइट होता है, बहुत हल्का होता है। फास्टर टू इरेक्ट, फास्टर टू इरेक्ट का मतलब क्या है, ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। अगर आप कंक्रीट या आरसीसी का स्ट्रक्चर देखते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर, तो उसमें क्यूरिंग के लिए, फिर उसके बहुत सारे ऐसे स्टेजेज है जिसमें कि टाइम लगता है, तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में भी क्या है, ये बहुत फास्ट है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेज है, वो है स्किल लेवर रिक्वायर। इस स्टील स्ट्रक्चर की जो कनेक्शन होते हैं उसमें जनरली हम स्किल लेबर को अडॉप्ट करते हैं। लेबर अगर स्किल्ड है तो उनके पेमेंट क्या हो गए, हाई हो गए, तो हायर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाता है। इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो हाई होता है। मेंटेनेंस कॉस्ट हाई इसलिए होता है क्योंकि ये स्टील का होता है, इसके कोरोजन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसमें जो मेंटेनेंस चार्ज है वो ज्यादा हद तक बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे कनेक्शन के बारे में। कनेक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो स्टील स्ट्रक्चर में तीन तरह के कनेक्शन होते हैं, रिवेटेड कनेक्शन, बोल्टेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन। रिवेटेड कनेक्शन हैज बिकम ऑब्सोलेटेड नाउ बट डिजाइन ऑफ इट इज ऑलमोस्ट सेम एज बोल्टेड कनेक्शन। इट मीन्स दैट रिवेटेड कनेक्शन जो है वो आजकल मार्केट में यूज नहीं होता है, क्योंकि इसमें स्किल लेवल की काफी जरूरत होती है, और इसके जो डिजाइन है, एनालिसिस है, वो बिल्कुल वोल्टेड कनेक्शन के जैसा है। वोल्टेड कनेक्शन मोर इकोनॉमिकल है देन रिवेटेड बिकॉज कॉस्ट ऑफ स्किल लेबर रिड्यूस्ड। मैंने आपको पहले ही बताया रिवेटेड कनेक्शन में ज्यादा स्किल लेबर की जरूरत होती है। सिमिलरली हम वेल्डेड कनेक्शन की बात करते हैं। वेल्डेड कनेक्शन में टू स्ट्रक्चर मेंबर को ज्वाइन करते हैं बाय बेल्ट, वेल्डिंग से, ठीक है दोस्तों। अगर आप बाहर के मार्केटों में या जनरली आप कार वगैरह के दुकान पे देखोगे तो आपको वेल्डिंग नजर आ जाएगा। अब हम डिटेल्स में बात करेंगे बोल्ट कनेक्शन के बारे में। ये थ्री टाइप्स के कनेक्शन है, ठीक है, रिवेटेड, बोल्टेड, वेल्डेड, जिसमें हम एक्सप्लेन पूरे डिटेल्स में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बोल्टेड कनेक्शन के बारे में। दोस्तों वोल्टेज कनेक्शन के बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले कि ये वोल्टेज कितने तरह के होते हैं। वोल्टेज दो तरह के होते हैं, अनफिनिश्ड बोल्ट। अनफिनिश्ड बोल्ट को ही हम लोग ऑर्डिनरी बोल्ट बोलते हैं, कॉमन बोल्ट बोलते हैं, रफ बोल्ट बोलते हैं या ब्लैक बोल्ट बोलते हैं। अब क्या इसका यूज कहाँ पे पड़ता है, ये जनरली लाइट स्ट्रक्चर के कनेक्शन में यूज होता है, जहां पे लोड क्या हो, स्टैटिक हो, ठीक है। ये कभी भी वैसे जगह पे यूज नहीं होता है जहां पे इम्पैक्ट लोड हो, वाइब्रेशन हो, या
आप जनरल एग्जांपल में देख सकते हैं, अगर आप रेलवे की बात करते हैं और रेलवे ब्रिजेज में अगर हम नट बोल्ट लगा दें तो एक वाइब्रेशन जो जनरेट होगा तो उसके कारण क्या होगा, नट और बोल्ट आप खुलकर गिर जाएंगे और कनेक्शन का फेलियर हो जाएगा। तो हम ऐसे जगह पे जनरली अनफिनिश्ड बोल्ट का यूज नहीं करते हैं। दूसरा टाइप होता है हाई स्ट्रेंथ बोल्ट। हाई स्ट्रेंथ बोल्ट होता है दोस्तों, ये दूसरा टाइप का बोल्ट है। दिस अलाउ द लोड टू ट्रांसफर थ्रू फ्रिक्शन नॉट बाय शियर। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये बोल्ट जो है वो लोड को ट्रांसफर करता है थ्रू द फ्रिक्शन नॉट बाय द शियर। ओके, दोनों ही टाइप के बोल्ट आपके दिमाग में आ गया होगा। मैं आपके सामने बार बार बोल्ट बोल्ट यूज कर रही हूँ वर्ड, तो आई होप आपको समझ आना चाहिए कि बोल्ट दिखता क्या है, उसके क्या पैरामीटर है, क्या डायमेंशन है, हम उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं ये बोल्टेड जो कुछ इस तरह से दिखता है बोल्ट, ठीक है। बोल्ट के कुछ पार्ट ऐसे प्लेन नजर आते हैं और उसके बाद आप देखते हो कि धागे की तरह इसके नीचे के पोर्शन में कुछ इस तरह से ग्रूम्स बने होते हैं। तो चूंकि ये थ्रेड की तरह दिख रहा है तो हम इसे थ्रेड एरिया बोलते हैं। ये सैंक एरिया है जो प्लेन है और डायामीटर बोल्ट को मैंने डी से डिनोट किया है। दोस्तों आप आगे भी चल के देखिएगा, मैंने डायामीटर ऑफ बोल्ट को डी से डिनोट करूंगी। इसकी जो पूरी एरिया है, ठीक है, पूरी एरिया है वो क्या है, ग्रॉस एरिया है, जिसका वैल्यू मैंने लिया है पाई बाई फोर डी स्क्वायर। आप देख सकते हैं अगर इस पोर्शन को इस तरह से आप देखेंगे तो आपको ये कुछ सिलेंडर जैसा दिखेगा ये पोर्शन। तो हम एरिया ऑफ सिलेंडर की अगर देखते हैं तो पाई बाई फोर डी स्क्वायर। लेकिन हम किसकी बात करेंगे, इफेक्टिव एरिया। इफेक्टिव एरिया दोस्तों अगर आप इसको ध्यान से जूम करके देखते हैं या कि इसमें कुछ एरिया जो है कुछ इस तरह से आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो इसके एरिया और इसके एरिया में डिफरेंस होगा, इसके एरिया कुछ कम होंगे इसके एरिया से, ठीक है। तो इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम क्या लेकर चलते हैं, 0.78 टाइम्स ऑफ पाई बाई फोर डी स्क्वायर, ठीक है। इफेक्टिव एरिया जो हो जाएगा, ये जो है इसे बोलते हैं इफेक्टिव एरिया, ये इफेक्टिव एरिया हो जाएगा और इसका वैल्यू हो जाता है 0.78 पाई बाई फोर डी स्क्वायर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर ले। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बोल्ट ज्वाइंट। कहने का मतलब कि किस तरह से हम बोल्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। अगर आपको ये लेक्चर लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। लैप ज्वाइंट, लैप का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर लैप करना, ठीक है। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखिएगा कि अगर मेरा ये हाथ एक प्लेट है, ठीक है, और दूसरा ये मेरा हाथ जो है वो प्लेट है, दोनों को इस तरह से अगर ओवरलैप करवाते हैं तो ध्यान से देखिए इतना पोर्शन राइट हैंड के इतने पोर्शन और लेफ्ट हैंड के इतने पोर्शन आपस में क्या है, ओवरलैप है। ये पोर्शन ध्यान से देखिए, इतना जो पोर्शन है वो बस एक दूसरे से ओवरलैप है, ठीक है दोस्तों। अब इस दो प्लेट को बोल्ट की मदद से कनेक्ट करना है, तो क्या करें कि ये दोनों प्लेट एक जैसा दिखे, ये डिफरेंट प्लेट एक बन जाए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस तरह से होल करके हम नट को बोल्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों इस तरह से क्या होगा, ये सपोज मान लीजिए कि मैंने एक होल किया, इसके अंदर बोल्ट नट बोल्ट लगाकर इसे क्या किया, एक एक प्लेट बना दिया, ठीक है। ये दो अलग अलग प्लेट है, सपोज एग्जांपल देखिए, ये अलग अलग दो प्लेट है, मैंने दोनों को इस तरह से कनेक्ट करके ये जो पोर्शन है जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहे हैं, यहां से यहां तक के पोर्शन, ये पोर्शन के अंदर ही हम क्या करेंगे, एक बोल्ट को इंसर्ट करेंगे। दोस्तों आप ध्यान से देखिए, ये एक प्लेट है, दूसरा ये प्लेट है, ठीक है, ये दूसरा प्लेट है। मैंने आपको दिखाया है कि ये पोर्शन और ये पोर्शन क्या है, आपस में ओवरलैप है, ठीक है। मैंने इन दोनों के बीच में एक बोल्ट को इंसर्ट किया है, तो ये क्या हो गया, लैप जॉइंट, ठीक है। टू मेंबर्स टू बी कनेक्टेड आर ओवरलैप्ड। दोस्तों आप ध्यान से देखिए, मैंने दो मेंबर को दो बोल्ट से कनेक्ट किया है। ये आपका, आप अगर आप इसे सामने से देखोगे, फ्रंट से देखोगे, तो आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा।
लेकिन जब इसी फिगर को टॉप से देखते हो दोस्तों, तो आपको इसका फिगर कुछ अलग नजर आएगा। देखिए दोस्तों, मैंने इस प्लेट को इस तरह से दिखाया है, आगे कंटिन्यू है, इस प्लेट के पोर्शन को इस तरह से दिखाया है। अब दोस्तों, अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें या तो ये प्लेट का दिखेगा, ये प्लेट दिखा तो मैंने इसे स्ट्रेट लाइन से बनाया है, और ये पोर्शन जो है दोस्तों, ये पोर्शन ध्यान से देखिए, इस प्लेट का, ये प्लेट है, सपोज ये प्लेट है, इस प्लेट का, ये पूरा प्लेट है, एक प्लेट है, इस पूरे प्लेट का ये पोर्शन क्या हमें दिखेगा? नहीं। तो मैंने इसे क्या किया, डॉटेड लाइन से शो किया। मैंने इसलिए इस दो प्लेन की मैंने बात किया, क्योंकि ये वो प्लेन है जहां से ये प्लेट और ये प्लेट आपस में ओवरलैप्ड है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस नीचे वाले प्लेट की बात करती हूं, तो उसका ये पोर्शन मुझे शो नहीं कर रहा है जो ऊपर वाले के साथ ओवरलैप है। लेकिन जो ऊपर वाला प्लेट है, नीचे वाले प्लेट के साथ ओवरलैप है, अगर हम उसे ऊपर से देखते हैं तो मुझे ये क्या दिखेगा। सपोज मैं ये एग्जाम्पल में बताती हूँ कि जब मैंने फ्रंट से देखा तो मुझे एक बोल्ट दिखाई दिया, मैंने एक रो में, ठीक है, एक रो में। अक्सर हम क्लास, जब छोटे बच्चे थे, जब स्कूल में पढ़ते थे, तो हम अक्सर प्रे लाइन में जिस तरह से लगते थे, तो सामने से दिखने में कितना बच्चा नजर आता था, एक एक लाइन की अगर मैं बात करूं तो मुझे एक दिखता था, बट उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे जो होते, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होते थे, वो मुझे ऊपर से दिखता था। ठीक वही इमेजिन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने यहाँ पे 3 बोल्ट को एक के पीछे दिखाया है, तो ये ऊपर से तीनों विजुअल हो जाएंगे पर फ्रंट से एक ही दिखेंगे। तो ये हो गया सिंगल बोल्ट लैप जॉइंट। मैंने सिंगल इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे एक बोल्ट सामने से शो हो रहा है। अब मैं बात करूंगी डबल बोल्टेड लैप जॉइंट। डबल क्यों बोला, क्योंकि मैंने सेम ये जो एरिया है, ये जो ओवरलैप एरिया है, उसे मैंने कितने बोल्ट से कनेक्ट किया, दो। ध्यान से देखिए दोस्तों, दो। तो मैं क्या किया, ये पोर्शन मुझे दिख रहा है, ओवरलैप का ये पार्ट मुझे दिख रहा है, तो मैंने इसे स्ट्रेट लाइन से बना दिया। ये पार्ट, ये प्लेट जो है, ये प्लेट, नीचे वाला जो प्लेट है, क्या ऊपर से दिखेगा? नहीं। तो मैंने इसे डॉटेड लाइन से बनाया। अब इसके जो बोल्ट है वो मैंने शो कर दिया। तो डबल बोल्टेड क्योंकि दो बोल्टेड है लैप ज्वाइंट। आई होप दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं जो दूसरे टाइप के ज्वाइंट है, वो है बट ज्वाइंट। एक है लैप ज्वाइंट, लैप की मैंने बात कर ली, लैप में दो केस होगा, मल्टी भी हो सकते हैं, अगर आप चाहे तो डबल के जगह मल्टी भी कर सकते हैं, मल्टी बोल्टेड भी हो सकता है, पर मैंने आपको दो ही केस शो किया है। अब मैं बात करूंगी बट ज्वाइंट की। बट ज्वाइंट में एक्चुअली होता क्या है, दो प्लेट्स होते हैं, दो प्लेट्स होते हैं, ध्यान से देखिए, दो प्लेट्स है, उनको आपस में जोड़ना है, ठीक है, लेकिन इसमें ये कंडीशन है कि ये एक दूसरे के ओवरलैप नहीं है, एक दूसरे के ऊपर में नहीं है, सामने सामने है, तो बट ज्वाइंट। तो इसे मैंने एक कवर प्लेट, सपोज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, देखिए दोस्तों ध्यान से समझिए, अगर ये दो प्लेट है, ठीक है, दो प्लेट है, इसे मैं सामने से इस तरह से जोड़ना चाहती हूँ, ठीक है, बोल्ट की मदद से, तो कोई एक एक्स्ट्रा मेंबर चाहिए जो इस दोनों को कनेक्ट करके रखे, तो मैंने ये इसे ऊपर इस तरह से लगा दिया। ध्यान से देखिए, आप इसे इजीली समझ सकते हैं, ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, मैं दोनों को एक बनाना चाहती हूँ, तो क्या करूंगी, विदाउट ओवरलैपिंग, तो मैं क्या कि ऊपर से एक कवर मैंने इसे लगा दिया, तो ये क्या करेगा, इस दोनों को कनेक्ट करेगा। ठीक है, ये फिगर कुछ आपको ये इस तरह से दिख रहा है, ये प्लेट वन है, प्लेट वन है, ये प्लेट टू है, कवर मैंने एक ही लगाया है, और एक ही बोल्ट, ये प्लेट, एक प्लेट को मैंने एक बोल्ट से कनेक्ट किया है, दूसरे प्लेट को भी मैंने एक ही बोल्ट से कनेक्ट किया है, तो ये क्या हो गया, सिंगल कवर। सिंगल कवर किस लिए, क्योंकि मैंने सिर्फ एक सिंगल कवर का यूज किया है, सिंगल कवर बट ज्वाइंट। आई होप दोस्तों आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब मैं बात करूंगी, डबल कवर। दोस्तों यहाँ पे होगा डबल कवर बट ज्वाइंट। डबल कवर क्यों मैंने बोला, ये देखिए दोस्तों, ये प्लेट है जिसपे फोर्स F1 लग रहा है, ये प्लेट टू है जिसपे फोर्स F लग रहा है, ठीक है, ये प्लेट वन है, ये प्लेट टू है, मैंने ऊपर से भी एक कवर प्लेट लगाया है और नीचे से भी एक कवर प्लेट लगाया है। इससे बैक के एग्जाम्पल में देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एक ही कवर प्लेट लगाया तो मैंने क्या किया, सिंगल कवर। जब मैंने दो कवर लगाया तो मैंने डबल कवर लिखा,
एक ही बोल्ट से कनेक्ट इस प्लेट को, मैंने एक ध्यान से देखिए इन दोनों के बीच, ऐसे ध्यान से देखिए, इस प्लेट की मैं बात करूं, ये टोटल ये पोर्शन है, तो ये टोटल पोर्शन एक ही बोल्ट से कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा, सिंगल बोल्ट, डबल कवर, सिंगल बोल्ट बट ज्वाइंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बात करूंगी दोस्तों मैं डबल कवर डबल बोल्ट बट ज्वाइंट। देखिए दोस्तों, ये प्लेट सपोज वन है, ठीक है दोस्तों, मैंने देखिए इस दो प्लेट में कितने बोल्ट लगाए हैं, दो, ठीक है। फ्रंट से देखिएगा तो आपको दो नजर आएंगे, बट टॉप से देखिएगा तो इसके पीछे आपको बहुत, जितने नंबर ऑफ जो गिवेन होगा या आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी, आप जितना लिए चाहे ले सकते हैं, दो ले सकते हैं, तीन ले सकते हैं, चार ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे तीन लिया है, बट फ्रंट से देखूंगी तो मुझे दो दो नजर आएंगे। एक प्लेट में मैंने दो दो बोल्ट ऐसे लगाया, इसमें भी दो दो लगाया, बट टॉप से देखूंगी तो मुझे ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये फोर्स पी है, ये फोर्स पी है, मैंने डबल कवर का यूज किया, ये कवर सी वन है, ये कवर सी टू है, तो मैंने क्या किया, डबल कवर डबल बोल्टेड बट ज्वाइंट। आई होप दोस्तों आपको अब किसी तरह के ज्वाइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं बात करती हूं फेलियर ऑफ बोल्ट, बोल्ट जो फेल होते हैं, ठीक है, वो कितने तरह से होते हैं। सबसे पहले सीयर, सीयर फेलियर ऑफ बोल्ट। दोस्तों सीयर फेलियर ऑफ बोल्ट का मतलब आप समझिए, ये दो प्लेट है, ठीक है, ये इसे इस तरफ पुल कर रहा है, इस तरफ खींच रहा है, और आप इसे इस तरफ, सपोज ये तो एज अ वन प्लेट काम करेगा क्योंकि ये वोल्टेज से कनेक्टेड है, लेकिन आप अगर दोनों को अपोजिट डायरेक्शन, सपोज सीयर एक्सियली टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, और ये जो ब्रेक होगा वो ड्यू टू सीयर स्ट्रेस के कारण होगा। तो इसमें जो ब्रेक आएगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, ठीक है। बोल्ट का फेलियर हो गया, बोल्ट क्या हो गया, टूट गया। बियरिंग ऑफ बोल्ट, बियरिंग का सबसे, दोस्तों मैं आपको एक चीज इसी में बता देना चाहती हूँ कि इसमें नंबर ऑफ सीयर प्लेन की अगर हम बात करते हैं तो ये वन हो गया। आप आगे चल के आपको काम आएगा नंबर ऑफ सीयर प्लेन निकालने के लिए, तो उसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितना होगा। तो ये देखिए, नंबर ऑफ सीयर का मतलब होता है एक दूसरे के बीच में जो फ्रिक्शन, एक दूसरे के बीच में जो फोर्स लगता है इन ऐसे अपोजिट डायरेक्शन, ध्यान से देखिए, तो ये क्या फ्रिक्शन, दैट मीन सीयर प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि दो आपस में प्लेट जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे सीयर प्लेन कितने हो गए, एक हो गए, ठीक है। क्या इस तरफ है, नहीं। क्या इसके इस तरफ है, नहीं। तो कॉमन म्यूचुअल दो प्लेन जब मिलते हैं तो वहां पे नंबर ऑफ सीयर प्लेन कितना लेंगे, वन लेंगे। अगर हम इस केस में बात करते हैं दोस्तों, तो नंबर ऑफ सीयर प्लेन कितने होंगे, एक कवर प्लेट है, ये मेन प्लेट है, इनके बीच में जो एक ये प्लेट हो गया और एक ये प्लेट हो गया, दोनों के बीच में कॉमन एरिया प्लेन मिलेगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीयर प्लेन वन हो गया। अब इस प्लेट में और कवर लास्ट वाले में एक नंबर ऑफ प्लेन यहाँ पे मिलेगा, तो दो हो गया। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीयर प्लेन कितने हो गया, दो। क्लियर हुआ। बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट, बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट का मतलब होगा अगर प्लेट की स्ट्रेंथ ज्यादा है बोल्ट से, तो क्या करेगा, ये इसे खींचेगा, तो बोल्ट क्या होगा, बोल्ट पे भी एक कॉम्प्रेशन फोर्स आएगा, ठीक है, ये इसे इस तरह से खींच रहा है, बोल्ट पे एक प्रेशर दबाव पड़ेगा प्लेट के कारण, और बोल्ट जो है वो इस तरह से क्रश हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से। बियरिंग का मतलब समझिए सिंपली भार, अगर मैं किसी वॉल के ऊपर लद के खड़ी हूं तो क्या होगा, वॉल क्या हो जाएगा, अगर वॉल की जगह कुछ सॉफ्ट ऐसे चीज को आप सपोज ऐसे सॉफ्ट चीज के एग्जांपल लो, तो क्या होगा, उसमें एक आप देखोगे डिस्ट्रॉयड शेप नजर आएगा ड्यू टू योर सेल्फ। अगर आप किसी सोफा पे लद के बैठे हो तो सोफे पे देखना एक
डिस्ट्रॉयड शेप नजर आएगा, तो उसी चीज को बियरिंग बोलते हैं। बियर कर रहा है सोफा आपके लोड को बियर कर रहा है, तो ये बोल्ट इस तरह से फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है, फेल हो जाएगा। टेंशन फेलियर, टेंशन फेलियर क्या होता है, जब प्लेट प्लेट की स्ट्रेंथ, टेंशन फेलियर ऑफ बोल्ट, जब प्लेट की स्ट्रेंथ, ठीक है ये प्लेट है, इसकी स्ट्रेंथ कम हो, ठीक है, बोल्ट के स्ट्रेंथ से, तो अगर कोई किसी कारणवश अगर आपका जो डिजाइन लोड है उससे अगर लोड आपका एक्सीड कर जाता है तो क्या होता है, टेंशन के कारण प्लेट्स में जो फेल होता है वो आपको कुछ इस तरह से दिखता है। ब्लॉक शियर फेलियर, ब्लॉक शियर फेलियर, बस आप इसे ध्यान से समझिए, ये गसेट प्लेट है, ये टेंशन मेंबर है, इसमें जो फेलियर होगा वो एक ब्लॉक की तरह होगा, ठीक है, इस तरह से। तो अगर आप गसेट प्लेट का देखेंगे तो कुछ आपको ये नजर आएगा, अगर आप टेंशन मेंबर में देखिएगा तो आपका ये फिगर, ठीक है, ब्लॉक, ठीक है। अब मैं बात करूंगी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपके एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं, आप चाहे तो इसे ध्यान से सुन सकते हैं, लिख सकते हैं या कहीं डायरी में नोट कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन फॉर द बोल्ट जॉइंट, कुछ ऐसे टर्म्स है जिसे जानना बहुत जरूरी है। मैंने आपको पहले ये सब चीज नहीं बताया, पिच डिस्टेंस, गॉज डिस्टेंस, क्योंकि आपका फिगर क्लियर होना चाहिए। अगर आपकी फिगर क्लियर है तो फिर आप कर सकते हो। दोस्तों मैंने इस फिगर को टॉप व्यू से शो किया है, अब आपको शायद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है, ठीक है, मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है। इसके लास्ट लेक्चर में मैंने जो आपको बट ज्वाइंट का एग्जाम्पल बताया था उसमें मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है पर बताया नहीं है। ये तो मेन प्लेट्स जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या मुझे ऊपर से दिखाई देगा, नहीं, तो मैं इसे क्या किया, मैंने इसे डॉटेड लाइन से शो किया। अब मैं दोस्तों बात करूंगी कुछ टर्म्स के बारे में, पिच डिस्टेंस। पिच डिस्टेंस क्या होता है, इसकी क्या वैल्यू होती है। पिच डिस्टेंस दो बोल्ट के सेंटर टू सेंटर, पिच डिस्टेंस क्या होता है, दो, ये बोल्ट वन है, ये बोल्ट टू है, ठीक है, ये बोल्ट वन है, ये बोल्ट टू है, दोनों के सेंटर से मेजर करेंगे, जो लेंथ हमें मिलेगा उसे पिच डिस्टेंस बोलते हैं, उसे पिच डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। गॉज डिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, सपोज मैंने ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स इसलिए इस दिशा में नहीं दिखाया है क्योंकि मेरा मन किया, नहीं, इसी से डिफाइन होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स से, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे समझ सकते हैं। अगर आप जेई या एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आप, या कोई भी कंपटीशन की, तो आपको ये पूछा जा सकता है कि पिच डिस्टेंस क्या फोर्स के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, नहीं है। सपोज मैंने इसे थ्री माना, इसे फोर माना, ठीक है, ये वर्टिकली डायरेक्शन में बात करूंगी, यहां से सपोज ये डाया है तो इसके सेंटर से और इसके सेंटर से जो डिस्टेंस होगा उसे गॉज डिस्टेंस बोलेंगे, जो कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्या है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ये फोर्स का डायरेक्शन है, और ध्यान से देखिए ये फोर्स का डायरेक्शन है, ठीक है, तो फोर्स के परपेंडिकुलर है, ठीक है, फोर्स के परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखिए ये फोर्स के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं पिच डिस्टेंस। पिच डिस्टेंस क्या होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट वोल्ट। पिच डिस्टेंस का वैल्यू मिनिमम हम कम से कम उतना रखते हैं, ठीक है, जो हमें आईएस कोड 800-2007 ने रिकमेंड किया है वो है 2.5 टाइम्स ऑफ डी। दोस्तों मैंने आपको लास्ट क्लास में भी, लास्ट लेक्चर में, लास्ट इससे पिछले में बताया था आपको कि डी जो है वो डायमीटर ऑफ बोल्ट है, ठीक है, डायमीटर ऑफ बोल्ट है पिच डिस्टेंस, ठीक है। मैक्सिमम हम ले सकते हैं 32 या 300 mm, ठीक है दोस्तों, 300 mm। अब इस दोनों में से जो कम वैल्यू आएगा हम उसके लिए मैक्सिमम लेंगे पिच डिस्टेंस। कंप्रेशन मेंबर की अगर हम बात करते हैं, फॉर द कंप्रेशन मेंबर, तो इसका वैल्यू हो जाता है 12T, और 200 mm में से जो कम होता है उसके वैल्यू को हम लोग कंप्रेशन मेंबर में लेते हैं एज अ पिच डिस्टेंस। टी दोस्तों, टी होता है मिनिमम थिकनेस, ठीक है,
या थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट। टी मिनिमम मैं आपको आगे चल के बहुत ही अच्छे से क्लियर से बताऊंगी, या भी बता दे रही हूं। सपोज आपका ये एक प्लेट है, ठीक है, ये दूसरा प्लेट है। सपोज इसका जो थिकनेस है वो 8 mm है और इसका थिकनेस 6 mm है, तो हम यहाँ पे टी मिनिमम क्या लेंगे, 6 mm। दोस्तों इसकी जो यूनिट होगी वो एमएम में होगी। ये हो गई कॉम्प्रेशन मेंबर के लिए। अगर टेंशन मेंबर की बात करते हैं तो टेंशन मेंबर में हो जाएगा 16 T और 200 mm इन 16, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल में टी का वैल्यू अगर 6 ले लेते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करके और इसको दोनों में से जो कम वैल्यू आएगा उसको हम लोग पिच डिस्टेंस मानेंगे फॉर द टेंशन मेंबर, ठीक है। एज डिस्टेंस क्या होता है? एज डिस्टेंस दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज डिस्टेंस ये आपका एज डिस्टेंस है लास्ट बोल्ट, ठीक है। लास्ट बोल्ट की बात करते हैं, लास्ट बोल्ट कहाँ पे होगा, ध्यान से देखिए दोस्तों। आप सोच रहे होंगे मैंने ये इस तरह से दोनों ही तरफ क्यों बनाया है, क्योंकि ये अगर हम ऊपर से देखते हैं तो मुझे ये पार्ट भी दिखाई देगा, इसको अगर ऊपर से देखते हैं तो मुझे ये पार्ट भी दिखाई देगा और इसके मिड का डॉटेड लाइन। अब देखिए दोस्तों अगर आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को मैं जूम करके दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पे इंड डिस्टेंस क्यों लिया है, ठीक है। यहाँ भी लिया और यहाँ भी लिया। ये तो हो गई इस प्लेट से, मतलब ये पोर्शन से लास्ट वाला, लेकिन इस पोर्शन से अगर हम बात करते हैं ये मेन प्लेट से, इसके डिस्टेंस को भी तो हम इंड डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। एज डिस्टेंस क्या होता है? लास्ट बोल्ट के फोर्स के परपेंडिकुलर, ये फोर्स का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से। सपोज ये फोर्स का डायरेक्शन है, ठीक है, ये लास्ट बोल्ट है, ठीक है, ये फोर्स का डायरेक्शन है, मैंने शो कर दिया। ये सपोज हमारा डायमीटर है, इसके सेंटर से जो ये प्लेट, ये जो प्लेट का लास्ट एज है, ठीक है, यहां तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एज डिस्टेंस। और ये एज डिस्टेंस मिनिमम हम लेते हैं 1.5 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ बोल्ट होल, ठीक है, डाया ऑफ बोल्ट होल। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, डाया बोल्ट होल को हम लोग, बोल्ट होल को मैंने डिनोट से डिनोट किया। और मैक्सिमम के लिए हम इसका यूज करते हैं 12 T एप्सिलॉन, इसका वैल्यू होता है 250 डिवाइडेड बाय FY। FY क्या है? यील्ड स्ट्रेस ऑफ बोल्ट, यील्ड स्ट्रेस ऑफ बोल्ट। ये आपको IS कोड में गिवन रहता है, आप इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं, मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। दोस्तों ये सारी बातें हो गई। अब जो अहम इंपॉर्टेंट है कि अगर हम बोल्ट का डायमीटर लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम कितना होल बनाएंगे जरूरी है, क्योंकि हमें प्लेट में छेद करना पड़ेगा तभी तो हम बोल्ट को घुसाएंगे। तो अगर मेरा बोल्ट का डायमीटर 12 से 14 mm के बीच में है, कितना है, 12 से 14 mm के बीच में है, तो हमारा क्लियरेंस कितना होगा, 1 mm। तो जो डायमीटर ऑफ होल होगा वो डी प्लस 1 हो जाएगा। अगर 16 से 24 के बीच में है तो क्लियरेंस कितना हो जाएगा, डी नॉट इक्वल टू डी प्लस 2। आपको समझ आ रहा है? अगर ग्रेटर देन 24 mm है तो उसमें क्लियरेंस कितना करेंगे, 3 mm, और इसका वैल्यू हो जाएगा डी प्लस 3। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल में समझाती हूँ, शायद आपका ये क्लियर होगा। डाया ऑफ बोल्ट को मैंने डी से डिनोट किया, जिसका वैल्यू मैंने आर्बिट्री ऐसे ही मान लिया है कि 20 mm है, तो 20 mm के बोल्ट के लिए मैं कितना होल करूंगी एक्स्ट्रा, तो वो हो जाएगा 20 प्लस 2। 2 कहाँ से आया, ये देखिए इसके रेंज में लाइक कर रहा है, तो मैंने 20 mm लिखा।